अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खाते पीते उठते बैठते चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मौज मज़े में मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का दिन है संडे और संडे के दिन होता है फंडे। संडे मतलब फंडे। आज का व्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग व्लॉग। हम आज घूमने जाने वाले हैं। अभी मैं तो अपने ऊपर के रूम में हूँ, जन्नत जैसे रूम में। यह गलाटा अपना हमेशा जो पड़ा हुआ रहता आज भी जैसा वैसा है। तो फिर अभी मेरे दोस्त आने वाले हैं, मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। ये हम नीचे आ गए, तैयारी पूरी हो गई। और ये हमारे दोस्त जकी मुश्तबा, तकी मुश्तबा और अरीब, इनका भी यूट्यूब चैनल है। और जकी मुश्तबा वाले व्लॉग में झंडा लेके जो लहरा रहे थे 15 अगस्त वाले व्लॉग में, ये है वो। काफ़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई इनके अभी ताकत से। 3 लोगों ने आके पूछ लिए जकी मुश्तबा कहाँ रहते, बोले हमने बोले ये है भाई करके। वो अभी बम्बू गार्डन जा रहे हो, इनको बाय बाय करते जकी भाई को। तो अभी हम पहुंच गए नए मार्केट में, शेगांव कचेरी के पास बैठे हुए। उधर मोहब्बत की चाय, मोहब्बत की चाय अमरावती की फेमस चाय हो गई अभी नहीं। आतिफ भाई, अरे हमारे साकिब, साकिब मोहम्मद साकिब बेस्ट फ्रेंड। और आतिफ फराज को तो आप पिछले एक मार्केटिंग वाले भी देख चुके हैं। तो अभी हम निकल गए बम्बू गार्डन के लिए। और ये ब्रिज बन रहा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसा हवाई जहाज ऐसा उड़ेगा डायरेक्ट ऊपर हवा में, आसमान में। गाइस अभी पानी का मौसम काफी सन बन गया है, हम जुनेद के वजह से लेट हो गए। आप गिर तो क्या बोलेंगे भाड़ा करके, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो गाइस अभी हम जुनेद और साकिब के लिए यहाँ रुके, ये पहला साकिब, वो साकिब 2 के लिए रुके हम। और आपको मैं बता दूं कि साइंस स्कोर है अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए। 11-12 हमने यहीं से करे, वो पीछे हमारी स्कूल दिख रही है आपको। साकिब भाई हमारे साथ काफ़ी चीटिंग में, चिटाल माल एकदम खतरनाक। और इधर देखिए क्रिकेट चल रहा है, मैं आपको बैक के कैमरे से बताता हूँ थोड़ा। ये बॉलर ने बॉल डाला और वहाँ पे फील्डर उपस्थित, और ये सीधा हाथों में कैच। मौसम यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं आप काले काले बादल, काले बादलों के बीच में चांद दिख रहा हूँ आपको। अरे है स्माइल, बल्लेबाज पहुंच ही नहीं रहे राकिब भाई, वो गाड़ी गाड़ी भाड़ी भेजो, गाड़ी भेजो, कैसे गाड़ी भी। पानी आ चुका है, आतिफ फराज बोलते जुनेद ने पूरा मौसम बिगाड़ दिया, बोले पब्लिक को बोले। और गाइस यहाँ पे पानी शुरू हो गया है, फंस गए हम जरा सा पानी में। ये इसके वजह से लेट हो गए हम लेट, और पानी आ गया, पानी बढ़ गया पूरा बम्बू गार्डन की ऐसी की तैसी हो गई। साइंस को बता दिया मैंने तुम्हारे बम्बू गार्डन के चक्कर में। पानी देखो कितना आ रहा पीछे, बहुत आ रहा, बहुत पानी आ रहा ताकत से। और जुनेद को जो है ना, तो उसकी इनाम मिलेगा अभी मिलने के बाद। गौर से देखिए इस मासूम से चेहरे को, जिसके वजह से हम आज लेट हो गए। इसने एक बंदे को बस स्टैंड पर बुलाकर वहाँ पे बिठा दिया और खुद उसे लाने नहीं गया। अमरावती में बहुत दिनों के बाद में ऐसी बरसात हुई, मेरा पसीना जा रहा था अमरावती में लोगों को, आप देखो पूरा गिल्ला कर दिया, दिख भी नहीं रहा आगे का। और इतने झड़े पानी में डामरी आ गए थे यहाँ भाषण देने को, देख सकते आप। मेहनत करनी पड़ती है भैया। हम वहाँ से वो दिख रही जगह, तुम वहाँ खड़े थे, हम वहाँ से अब इधर आ गए, हम हो गए रे भाई पूरे गिल्ले। ये देखो इधर सर साफ करना चालू है,
पूरे गिल्ले हो गए क्या? तैयारी करके आए थे गर्मी की, पतली टी शर्ट पहनकर, पतली टी शर्ट पहन के जाएंगे बोले भाई गर्मी होगी बोले, गर्मी का है का बम ताकत से पानी आ गया, बम सुद्धाला पानी नहीं, बम्बू गार्डन भी पहुंचे अभी हम, माल टेकड़ी के पीछे ही जाए। गाड़ी वाड़ी भी साफ कर लो, पानी का मौसमी चाय की सोई लगा पहले, चाय नाश्ते की अरे नगारे बज रहे इधर ताकत से, मन झूम झूम गाए अगबर तेरे लिए तो मेरे दादी का भी चाय की सोई लगा रहे दोनों भी, इतने चाय के तलब गा रहे कि कोई भी हाल में चाय हो ना उनको। कहाँ पर है, चलो उनको चलते हैं। अरे बाप रे नगारे कितने 8 बज रहे, तो इसी तरह लग रहा है फट्टी अपनी नगारों से। पहाड़ भी दिख रहा, पहाड़ भी दिख रहा ना, मालतीकड़ी का पहाड़ भी दिख रहा ना क्या है? अरे बापरे ये तो सतारा संगली की जैसी हो गया। नीचे डोबरा भी है। कहाँ है डोबरा? इधर दिख गया, दिख गया। ये डोबरा देखने भी जा रहे हैं हम, चाय की भी सोई लग रही है, डोबरा भी देखने जा रहे हैं इतने पानी में। क्या बोलना तुम्हारे को, पागल करके रखे दोनों ने। हाँ ये इधर सैलाब के, पानी का सैलाब बताने के लिए लाए हो पानी का सैलाब। ये देखो अगर इसमें मोबाइल गिर गया ना पूरे गुने माफ हो जाते, पूरा व्लॉग ही निकल जाता। साकिब को मच्छी कुदी डालने की याद आ रही इधर, ये डोबरे में तो मच्छी कुदी डालेगा नहीं, ये मोटा बेंडो लाएगा उसके सिर पे हाथ भरेगा। डालना तो मना थोड़ी करे हमने, डाल सैराट की जैसी डाल के, वो स्विमिंग पूल डालो की जैसी। जुनेद की कहर नहीं आज, जुनेद की वजह से हम कितने घंटे लेट हुए? दो घंटे लेट हो गए ना, बम्बू गार्डन जाने को मिला। दो घंटे लेट भी हुए और प्लस गीला भी हुए और यहाँ टाइम खराब अलग हो रहा। बड़ी बात, चाय नहीं मिली। चाय हम हम तू ये डरा रहे, ताकत से डरा रहे, नकारे वाले ये ताशे वाले ऐसे बजा रहे ऊपर, देखो ऊपर इतने बजा रहे ताशे वाले, ऐसे गर्म बजा हुए कि हमारे को है ना बहुत भयानक डर लग रहा है। ये अब रुका रे भाई, थोड़ा थोड़ा पानी अब निकल रहा है, हम यहाँ अभी पानी चालू है। ये भाई देखो इधर हमारी ये भाई देखो में एक खुलता है अपार्टमेंट है जो इतना बड़ा है। डिजाइन देख लो, डिजाइन हमारे शहर की शान है, डिजाइन देख लो। अभी घर में लोग रहने के आने के बाकी है, उसमें अपना ही हो वैसे आतिफ भाई पूरे पैसे पे करके हम तीनों रहने आ जाएंगे, इतने बड़े इसमें तीनों रहेंगे। बहुत बरसात हो रही है, बरसात अभी रुक गई, अभी मैंने बोला चाय पी थी आतिफ भाई बोले, बहुत तलब लगी थी चाय की, और ये मौसम भी बहुत सही है चाय पीने के लिए। साकिब बात कर रहा फोन पर, आतिफ भाई चाय ले रहे उधर। और दोस्तों ये वो जुनेद जिसके वजह से हम 2 घंटे लेट हो गए, अभी इसको बहुत मार पड़ने वाली है। अभी आतिफ भाई चाय ले रहे और ये हमारे साकिब खान, ये बच गया। मस्जिद के पास में बिरयानी की एक 4 चक्कों पे गाड़ी है, ये भुक्कड़ को लगी भूख।
जरा भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुँह चुहा मुँह चुहा पेट को उसका देखो कम बड़ी प्लेट भर के ले आ रहे। एक भुक्कड़ के साथ दूसरा भुक्कड़ भी यहाँ पे शामिल हो गया। कैसी बनी बिरयानी? मस्त है। ये दुकान देख सकते हैं आप, छोटी सी दुकान है लेकिन चाचा टेस्ट अच्छा दे रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो चाचा को और यहाँ पे विजिट करो एक बार। अगर बिरयानी अच्छी लगी तो आप बार बार भी आ सकते चाचा बिरयानी वाले। अभी 5 बज गए और अब प्लान बना हमारा, पानी रुका अभी। ये भुक्कड़ को भूख भी लगी थी, खाना भी खा लिया इसने, अब निकल रहे हैं बम्बू गार्डन के लिए। बम्बू गार्डन एक जना मिला था, हमने पूरी यात्रा कर लिया। हम 5:30 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। जुनेद की बदौलत हम लेट पहुँचे। नहीं, ये आतिफ भाई ने 2 घंटे टाइम पास कर दिए कैंप में और बाद में बोल रहे कि टाइम हो गया। गार्डन हो गया बंद और सारे दिल के अरमान आंसू में बह गए। छत्तीसगढ़ जाने वाले, इधर से तैयारी कर रहे थे हम सुबह के 6 बजे तैयारी हो रही थी गार्डन में आने की, असर हो गई और शाम के 6 बज रहे हैं अभी। फिर भी आखिरी उम्मीद साकी पूछने गया वहाँ गेट पर, गार्डन चालू हो गया। आइडिया दे रहा है छतरी तरफ पे चलते करके। आतिफ भाई बोले अच्छा हो गया, बोले अपन ने व्लॉग बना लिए, शूट मार लिए, थोड़े बहुत पैसे भी वसूल हो गए, नहीं तो बोले कहाँ गए थे, कहीं नहीं है, क्या लाए कुछ नहीं। अभी तमाशे चल रहे पीछे देखो। देखो क्या है, तो उसकी बीसी उठाओ अपने, उसको नीम के झाड़ के पीछे ले और हम बडाली में भी आए थे बम्बू गार्डन के बाद में, हमने बडाली में विजिट किया, आप देख सकते हैं पीछे गेट। लेकिन गार्ड्स ने पहले ही बोल दिया हमारे को बंद हो गया करके, फिर से दिल के अरमान आंसू बह गए, खूनों खून रो रहे हमारे झोंकरे। देखो 2 गाड़िया पे 5 जने, जुनेद की बदौलत है सारी, वो पूरे जुनेद की बदौलत है कि आज हमारे को इतने सीने पे हमारे तलवारा चले। बस पलटा लो, कुछ भी नहीं है, सीधा रहो, बोल दिए काटने बंद हो गया घर के, तुम्हारे घर का राज चल रहा है। आएंगे तुम आराम से 5-5, 6-6 बजे गार्डन में, और बडाली गार्डन से हम निराश होके खाली हाथ वापिस जा रहे। बता नहीं सकते तुमको आज हमारी कंडीशन क्या हो गई, रोने को मजदूर नहीं, आंसू पोछने को मजदूर नहीं मिल रहे हमारे को, रोस्ते अरे गाड़ी स्लिप हो गई थी अभी, कीचड़ है रास्ते पर बहुत सारा। पहले हम बम्बू गार्डन गए थे, वहां पे भी एंट्री नहीं मिली, टाइम ज्यादा हो गया था, तो फिर आए बडाली, वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो और अब हम इधर पौरा रोड पर आए और यहाँ पर अब व्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो व्लॉग को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।